बड़ी दुविधा में हूं माँ। समझ में नहीं आ रहा है आपकी कही बात कैसे पूरी कर पाऊंगी। ये तो व्रत के नाम से ही चिढ़ जाते हैं। अगर मैंने इनसे कहा कि इन्हें सिर्फ फलाहार, सेंधा नमक और सिंघाड़े की रोटी खानी है तो ये तो मेरी जान खा जाएंगे ना। माँ इनका व्रत रखना जरूरी है, कोई और शर्त दे दीजिए ना। सविता तुम्हें अभी भी अपने घर की दूसरी लक्ष्मी पर भरोसा नहीं है। श्रेया वो क्या कर लेगी, और यदि उसने कर लिया तो? 30 साल से मैं इन्हें काबू नहीं कर पा रही हूँ और ये उन्हें ऐसे मना लेगी। मैं ना कान पकड़ के यहीं पे 10 उठक बैठक करूंगी अगर श्रेया ने ये काम करके दिखाया तो। पापा कैसे आप? अब कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है, घर आके अच्छा लग रहा है। हाँ लेकिन घर आके परहेज में कोई कमी नहीं छोड़नी है। इस बारे में डॉक्टर से भी बात हुई और उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल डाइट चार्ट दिया है। डाइट चार्ट? और उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर इसे फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अच्छा है, क्या है भाई डाइट चार्ट में? हाँ बताती हूँ ना। पूरे दिन आपको फ्रूट्स खाने हैं। सिर्फ फ्रूट्स? नहीं और भी लिखा है ना, रुके। फ्रूट्स के अलावा आपको साबूदाने की खिचड़ी भी खानी है और सिंगाड़े के आटे की रोटी भी खा सकते हैं। नहीं ये सब रोज खाना होगा? नहीं डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन करना है और बाकी दिन आप नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं। फिर ठीक है। तो आप कर लेंगे ना डाइट? हाँ कर लूंगा। अरे लेकिन सर मैं भी तो पढ़ूं क्या लिखा है। अब पापा कहीं पापा को शक तो नहीं हो गया कि मैं डाइट के बहाने उनसे व्रत करवा रही हूँ? क्या हुआ? अब आप कहाँ इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे, मैं हूँ ना, मैं रखूंगी ध्यान। आप सिर्फ डाइट कीजिए। तुम सबका कितना ध्यान रखती हो, जीती रहो। अब वो भाभी मुझे ये बिल्स मिले थे, आपको कुछ पता है इनके बारे में? थैंक यू। अच्छा तो कल से शुरू करें? कल थर्सडे है और फिर हम हर थर्सडे करेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीना करेंगे तो भी बहुत है, तो फिर कल से शुरू करते हैं, ठीक है? रुको, थर्सडे यानी गुरुवार। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे? यही सोच रहा हूं अगर मैं ये डाइट नहीं कर पाया तो। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने उसका भी तो तरीका बताया। रुकिए ये देखिए दवाइयां। अगर डाइट नहीं करनी तो ये दवाइयाँ खानी पड़ेगी, वो भी दिन में 4-5 बार। ये मैडम तो रूम भी लॉक करके जाती है, कैसे निकालूंगी वो बिल्स? अगर इसने किसी को खाने के बिल्स दिखा दिए तो बहुत बुरा फंसूंगी मैं। उसे लगता है कि वो हर चीज के लिए वैभव से हाँ करवा लेती है तो इन्हें भी मना लेगी। देखो माँ कैसे मुंह लटका है। क्या वो पापा मान गए मम्मी, पापा मान गए। क्या? हाँ मान गए। कैसे? बस बोला एक डाइट चार्ट लाई हूँ और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला है तो मान गए। कैसा डाइट चार्ट। तूने इन्हें ये सब खाने के लिए मना लिया? यस, मैंने। थैंक यू। इसमें तो और भी सारी चीजें लिखी है। मम्मी, अब किससे बात कर रही है? वो मेरा मतलब है कि तुम इन्हें डाइट बोल के ये सारी चीजें बोल के तो आई हो, तो ये नहीं मानी जाएगी। मम्मी, ये सब खाना व्रत में भी तो खाया जाता है। पापा डाइट समझ के खा रहे हैं, समझो व्रत ही हो गया। अब व्रत हो या डाइट, दोनों के थ्रू बॉडी डिटॉक्स ही होती है ना, तो क्या फर्क पड़ता है। तो बस हो गया काम। अब तो जीजा जी IAS के एग्जाम में पास हो जाएंगे ना। सविता, सत्य ही तो कह रही है श्रेया। भगवान भक्त को भूखे देखकर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि स्वस्थ देखकर प्रसन्न होते हैं। व्रत का उद्देश्य है शरीर एवं मन की शुद्धि। यदि मनुष्य एक दिन भोजन ग्रहण ना करे तो उसका शरीर स्वयं ही रोग मुक्त प्रक्रिया में चला जाता है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। सविता, तुम भले ही श्रेया पर संदेह कर रही थी, किंतु श्रेया ने कर ही दिखाया। मम्मी, क्या कर रही हैं आप? एक्सरसाइज। वो डाइट कर लेंगे, मैं एक्सरसाइज कर लूंगी, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तुम जाओ। इतना हंसने की जरूरत नहीं है। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। तुमने बोल तो दिया, पर करोगी कैसे? जो काम इतने सालों से मैं नहीं कर पाई, तुम क्या कर लोगी? तुम मुझे करना है ना, तुम मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं शर्त लगाती हूँ, नहीं कर पाओगी। ठीक है, लगी शर्त। लगी शर्त। अरे यार, ये फ्लर्टिंग करना कितना घातक साबित हो रही है यार। उफ, मुझे पता था ये टैटू कराने में दर्द होगा। इसको छुपाने में तो उससे भी बड़ा टेंशन है। कहीं अदिति ने देख लिया ना, तो ना ये हाथ रहेगा ना टैटू, सीधा टैटू दबा देगी। क्या करें अब, ये कैसे छुपाएं इसको? लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया मैंने। मसले ही बढ़ रहे हैं मेरे। अरे अरे, कहाँ थे इतनी देर से? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हें पता है, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? हाफ स्लीव्स टी-शर्ट। अच्छी लगी ना? दिखाओ। अरे सीधे खड़े रहो ना। तुम भी तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे, क्या हुआ तुम्हें? ठंड लग रही है। ठंड लग रही है अदिति। हाँ? मुझे ठंड लग रही है। अरे तुम तो रोने लगे। अरे ठंड में दादाजी की याद आ रही है। दादाजी? अदिति, ऐसा लग रहा है ना 2-3 स्वेटर और पहन लूं। इतनी ठंड, मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। हाँ, उसमें हल्दी डाल देना। हाँ, हल्दी डाल दूंगी। तुम आराम करो। हाँ, सविता, अम्मा, अरे क्या हुआ? अरे अम्मा, ना फोन ना कोई खबर। बता दिया तो रोहित को भेजती लेने के लिए। अरे निरंजन की तबीयत का सुनकर ना मुझसे तो रहा ही नहीं गया। पहले फुर्सत में टिकट कटा कर आ गई मैं। कैसा है वो? हाँ ठीक है। अब आई नहीं, पहले तू बता, ठीक तो है ना? अब ठीक है अम्मा, दवाइयाँ चल रही है। माँ की कृपा बनी रही जो इतने बड़े संकट से उभरा है। अब डॉक्टर ने कड़ा परहेज करने को कहा है। परहेज? वो तो ना हो पाएगा इससे, एक नंबर का चटोरा है निरंजन। परहेज वरहेज उसके बस की बात नहीं। यही तो मैं माँ और श्रेया को समझा रही थी। माँ? कौन सी माँ? वो माँ होने के नाते श्रेया को समझा रही थी। मुझे इनसे मार्गशीर्ष का व्रत रखवाना था। वो बोली कि मैं रखवा दूंगी। निरंजन और व्रत रखेगा? दो चीजों के बगैर वो नहीं रह सकता, एक खाना और दूसरा चिल्लाना। सविता, नाश्ते का क्या हुआ? अरे अम्मा आ गई। कैसा है बेटा? बस ठीक हूँ। खुश है बेटा? अरे मेरे कुछ दिन बाहर जाते ही मैं तो अपने हाल ही बिगाड़ ली। नहीं अब ठीक हूँ, तो आ गई ना, अब देखना फिर से शेर बन जाऊंगा मैं। मेरी तो जान ही निकल गई थी तेरे अटैक का सुनकर। फटाफट आ गई मैं यहाँ पर। भगवान का शुक्र है सब ठीक है। चलो नाश्ता कर लेते हैं। आओ अम्मा। अरे वाह, जलेबी, समोसे। समोसे समोसे लाओ। आप पोहे? वाह, नहीं समोसे चाहिए। अरे दो ना, दो दो। पापा दवाइयाँ? नहीं। लीजिए समोसा खाइए। नहीं 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 चाहिए। अरे ऐसे कैसे मजा आएगा? मम्मी चटनी भी तो दीजिए। खाइए समोसा खाइए। नहीं नहीं, स्वाद के साथ खाइए पापा। और उसके बाद दवाइयाँ भी खाना। मैंने बताया था ना आपको कल डॉक्टर ने क्या कहा है। या तो आप उनकी बताई डाइट फॉलो कर लीजिए, या तो अगर आपको अपने मन का खाना हो तो फिर उसके बाद दवाइयाँ तो खानी पड़ेगी। नहीं बंद करो बोतल। ठीक है, बताओ क्या है वो स्पेशल डाइट? पर वो रोज रोज तो नहीं करनी ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, रोज रोज तो बिल्कुल नहीं करनी। डॉक्टर ने आपको ऐसी स्पेशल डाइट दी है ना कि आप हफ्ते में एक दिन भी करोगे तो पूरी हेल्थ मेंटेन रहेगी आपकी। और फिर ऐसी दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेगी। पूरे दिन में आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने, साबूदाने की खिचड़ी खानी है और सिंगाड़े के आटे की रोटी खानी है। बस, ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब फ्रूट कोई मुझे प्लेट में देगा, वो भी मुझे पेड़ से तोड़ के लाना है? बिल्कुल मिलेंगी, अभी देती हूँ। नहीं नहीं, एक काम करो, तुम ये फ्रूट्स ना कमरे में भिजवा दो। ये इतना सारा टेस्टी खाना यहाँ पे रखा है, उसके सामने में सादा सा फ्रूट कैसे खाऊंगा? कमरे में भिजवा दो। खुश हो बेटा? अरे तूने तो कमाल ही कर दिया। डाइट का बोलकर व्रत रखवा दिया सविता इसने, और उस बैल को पता भी नहीं चला कि ये क्या खेल खेल गई। कहा था ना मैंने आपको, मुझ पे छोड़ दो। पापा से व्रत तुम्हें रखवा के रहूंगी। अभी से खुशियां मनाना बंद कर दो। व्रत पूरा नहीं हुआ है, आधा दिन बाकी है। अरे कोई फल वल लाके देगा के नहीं? देखा, कहा था ना 5 मिनट भी बिना खाए नहीं रह सकते। व्रत रखवाने चलिए। शर्त लगाइए, मैंने जीत के रहूंगी। देखते हैं, तू भी यही है मैं भी यही हूँ। कहीं रखे होंगे श्रेया ने वो बिल्स। इससे पहले कि वो कोई तमाशा खड़ा कर दे, बिल्स को ठिकाने लगाना होगा। भाभी आप यहाँ? मैं ये खाली ग्लास लेने आई थी, तुम सो जाओ। क्या ही सोऊंगा भाभी, अब उठ गया मैं। तुम्हें और दोबारा नींद नहीं आएगी 12-12 बजे तक सो के उठने वाले को। अरे अच्छा है इनफैक्ट नींद ना ही आए तो, क्योंकि सोऊंगा तो सपने देखूंगा और सपनों से तो अब डर ही लगता है। मुझे पता है तुम शेफ बनना चाहते थे, लेकिन वैभव तुम उससे कहीं ज्यादा काबिल हो। श्रेया की बातों में आके कोई गलत कदम मत उठा लेना। मुझे पता है उसके दिमाग में तो फिर से कोई ना कोई खिचड़ी पकड़ी होगी, लेकिन तुम खिचड़ी बनाने के लिए नहीं बने हो वैभव, ये बात याद रखो। डैडी तुमसे क्या चाहते हैं वो अच्छी तरह से पता है तुम्हें, तो सोचो। और शाम को चौधरी अंकल आ रहे हैं, उनसे मिलने की तैयारी करो, अब वही तुम्हारी नौकरी लगवाएंगे। अरे क्या बात है, आज अंदर से शर्ट पहन के आ गए। हाँ, मैंने बोला था ना मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, तो जाता हूँ जल्दी तैयार हो जाता हूँ, फिर पढ़ाई भी तो करनी है ना। अच्छा सुनो ना, पढ़ाई वढ़ाई बाद में कर लेना, सिर्फ 5 मिनट अपनी बीवी को भी दे दो ना। क्या हुआ, हाथ में चोट लगी है? दिखाओ जरा। नहीं नहीं, रुको, यहाँ आओ। हाँ? किसके नाम का टैटू करवाया हाथ में? कौन है ये साहब? मर गया बेटा विद्याधर, क्या बताऊं? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, किसके नाम का टैटू करवा के घूम रहे हो हाथ में? ये है तुम्हारे नाम का, और किसके नाम करेगा? ए फॉर अदिति। ये कौन सी भाषा में मेरे नाम का टैटू लग रहा है तुम्हें, बताना जरा। हाथ को ऐसे नहीं देखते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे देखो। टैटू आर्टिस्ट की गलती है, मुझे नींद आ गई थी ना तो उसने वी को ए कर दिया, ए को वी कर दिया। देखो। अच्छा, और ये एस और आर ये कौन है? ये वो है जो जिनकी वजह से तुम हो, मतलब तुम दुनिया में आई हो। इतना अनमोल तोहफा दिया उन्होंने मेरे लिए, मेरी लाइफ की सबसे अनमोल तोहफा। सासू माँ और डैडी का भी नाम लिखवाया ना इसमें। तुम्हें मैं बेवकूफ दिखती हूँ या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? कौन है ये एस आर? मैंने बोला ना मुझे नींद आ गई, उसको मैंने बोला था निरंजन, उसने रंजन सुना और रंजन का आर कर दिया। अब समझी, ए फॉर अदिति, एस फॉर सविता, आर फॉर वो निरंजन का आर। हो गया, सब डाउट क्लियर हो गया ना। ऐसा दामाद मिलेगा कहीं दुनिया में जिसने पूरा फैमिली का नाम लिखवाया है। ये देखो। तुमने सच में मम्मी पापा के लिए किया है ये? और नहीं तो क्या। अरे इसमें ध्यान से देखोगे ना पूरी फैमिली का नाम आ रहा है इसमें। इधर से देखो, ए फॉर अदिति, वी फॉर वैभव विद्याधर, ये देखो आर फॉर रोहित। पूरी फैमिली पैक टैटू कराया मैंने। और मैं भी तुम पे शक कर रही थी, सॉरी। क्या हुआ? थोड़ा क्रीम लगा दोगी क्या? हाँ मैं क्रीम लेकर आती हूँ। ओहो, तो 7 ही बजे हैं। क्या? सविता सविता कुछ खाने के लिए लाओ भाई, अब और नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। क्या हुआ, आप ठीक है ना? अरे मैं ठीक हूँ, भूख बहुत लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ भाई, और नहीं हो रहा मुझसे। सेब ले आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे फल वल नहीं खाना, मुझे कुछ अच्छा खाना है पेट भरने के लिए। दाल रोटी सब्जी ये खिलाओ मुझे। आपको भूख नहीं लगी है, ये तेल मसाले का साइड इफेक्ट है जो आपको बेचैन कर रहा है। पर आज तो आपका वो स्पेशल वाला डाइट है ना, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना मुझे ये सब करते हुए देख। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना, तो मुझे टेंशन देती ना मेरी सेहत बिगड़ती और ना श्रेया मुझे डाइट वाला खाना खिलाती। तुम्हें काम करो जल्दी से वहां जाओ, मेरे लिए अच्छा सारा खाना लेकर आओ, और श्रेया को मत दिखाना, मैं यहाँ चुपचाप बैठ के खा लूंगा। अरे खड़ी क्या हो, जाओ लेकर आओ, जाओ ना, जल्दी जाओ। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी माँ, इनसे नहीं हो पाएगा ये व्रत, पर मुझे माँ से दामाद जी के इम्तिहान के लिए भी तो मांगना है, क्या करूं? एक मिनट, ये क्या कर रही हैं आप? शाम तक हो शुभ लाभ, धन वैभव खूब बरसे, हर पल में हो शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ।